हाय गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम थोड़ा सा वॉक करने आ रखे हैं मेरे हस्बैंड और मैं। गिरिल वालों का हॉस्पिटल है यहाँ पर। सो फ्रेंड, अभी हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, रेलवे की कॉलोनी पीछे रह गई है और हम थोड़ा अभी और आगे आ गए। हमने कहा थोड़ा और आगे तक वॉक करके आते हैं। आती हूँ सो फ्रेंड, ये देखिए रेलवे के काउंटर कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़े हैं यहाँ पर। आज हम वॉक करने आ रखे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे कब से उठा रहे चलो चलो करके, लेकिन मुझे इतना आलस आ रहा था कि मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आज जा सकती। बच्ची हमने कहा चलो अब हम चलते हैं। सो अभी हम आए हैं टहलने और अभी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी हम जाते हैं घर को क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टहल चुके हैं। सो फिर अभी हम यहाँ से अंदर को आए हैं और अभी हम और अंदर घुस चुके हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं रूम पर। हाँ, मेरी बिंदी कहाँ गई? थक गई मैं। लाइट ऑन ना कर दो, लाइट ऑन ना करो। सो फ्रेंड, अभी हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर मैं अब चाय बना रही हूँ। सो फ्रेंड, अभी हम चाय पी रहे हैं और मेरी ना ये बिंदी निकल गई थी तो मैंने बिंदी लगा ली। आप 20 तारीख है ना? आज 20 तारीख है। मेरे हस्बैंड हैं ट्रेन बुक कर रहे हैं और हम कहीं जाने वाले हैं कल। कल जाने वाले ना? हाँ। सो हम कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको कल की व्लॉग में बताऊंगी। वो सो सरप्राइज़ रहेगा आप लोग के लिए। मैं मैगी बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी मैगी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो गाइस, फ्रेंड मेरा जो सारा काम है घर का, ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग मेरी सब हो चुकी है और मुझे ना आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं। एक बाल्टी मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए थे और कल तो मैंने बेडशीट सब चेंज वेंज करी थी। सो मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं, मैं कपड़े वपड़े धोती हूँ फटाफट से। वो देखिए, एक बाल्टी कपड़े हैं मुझे फटाफट से धोने हैं, मैं सब धो लेती हूँ। फ्रेंड मेरे सारे काम हैं बिल्कुल हो चुके हैं और आज तारीख हो गई है 20 तारीख और कल है 21 यानी कि 21 तारीख और कल है हमारी पहली एनिवर्सरी है ना। हाँ, पहली वेडिंग एनिवर्सरी हम लोग की, इसलिए कल हम घूमने जाने वाले हैं और हम जाने वाले हैं लखनऊ। तो इसके लिए इसलिए मुझे जाना है। अभी मैं जा रही हूँ, बगल में पार्लर है हमारे, रोड के बगल में ही है। मुझे थ्रेडिंग बनानी है, क्लीन अप करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मुझे मेहंदी भी लगानी है। मेहंदी हाँ, तो मैं खुद लगा लूँगी, दूसरे आदमी अगर लगा देगी तो पार्लर वाली ठीक है, नहीं लगाएंगे तो मैं खुद लगा लूँगी। सो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, ये अंदर ही है, देखना दरवाजे बंद कर लेना, ठीक? आ रही हूँ मैं। सो हाँ, पास यहाँ से लगा दे रही हूँ। सो मैं आ गई हूँ और मैंने क्लीन अप कर लिया और मैंने थ्रेडिंगें बनानी थी, बना के मैं आ गई हूँ और टाइम हो गया, 12 बज गए हैं और मैंने पानी अभी लगा रखा है नहाने के लिए, गर्म पानी हो जाएगा। और मैंने आज अपने कपड़े धो दिए से तो अच्छी खासी धूप आ रखी है। सो मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, उनको अपनी दाढ़ी सेट करानी थी तो वो भी चले गए हैं। सो जब तक मेरा पानी गर्म हो जाए तब तक मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ।
एंड मेरा खाना है ऑलमोस्ट बन ही चुका है। यहाँ पर मेरी दाल बन रही है, यहाँ पर मेरी हरी सब्जी बन रही है और मैंने यहाँ चावल भिगा दिए हैं। तो बस मेरा खाना बनता है फटाफट से, फटाफट से नहाती मेरे अंदर गर्म पानी भी लगा रहता है। है और मेरा खाना भी है बिल्कुल रेडी हो चुका है और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं दाढ़ी सेट कराने के लिए, अपनी मसाज सेट कराने के लिए, और वो अभी तक आए ही नहीं है और टाइम काफ़ी हो गया, 1:30 बज गया है, तो वो अभी आ जाएंगे। सो फ्रेंड, हम लोग का खाना पीना है बिल्कुल हो चुका है और मैं जा रही हूँ अब मेहंदी लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने अपने चूड़े हैं बिल्कुल उतार दिए हैं। तो मैं पार्लर में जाऊँगी, एक हाथ में तो मैं खुद लगा लूँगी, एक हाथ में मैं मेहंदी लगा के आती हूँ। मैं जा रही हूँ। सो फ्रेंड, मैं भी आ गई हूँ क्योंकि ये पार्लर में ना अभी लोग फेशियल कराने के लिए आ रखे हैं, थोड़ा बिजी है वो, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में आ जाना। मैंने कहा ओके, अभी मैं 10-15 मिनट बाद जाऊँगी। फ्रेंड, मैंने हाथ में देखो मेहंदी लगा ली है, खुद से लगाई है मैंने मेहंदी, आगे भी पीछे भी। अभी मैं पार्लर में जाऊँगी थोड़ी देर में और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मेहंदी लगा लगा के। सो फ्रेंड, मैंने एक हाथ में तो मेहंदी लगा ली थी और दूसरे हाथ में नहीं लगाई थी मैंने मेहंदी, क्योंकि मैं पार्लर में गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं इतना थक गई थी ये हाथ में लगा के मेहंदी, तो मेरा मन ही नहीं करा जाने का। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड में कलाकारी कर रहे हैं, कह रहे मैं लगाता हूँ मेहंदी, दिखाती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा गंदा बन गया, इतनी अच्छी मेहंदी लगाने का सीखा आपने, भरपूर टैलेंट है मेरे पास। लाल हाथ करने करके मतलब कुछ भी कर दो क्यों? अपने पहले दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ फिर एक बार। ये देखो मैंने लिखा इनके हाथ में, वो भी मिटा दिया इन्होंने, अच्छे से दिखाओ। सो फ्रेंड, मेरी देखो मेहंदी लग चुकी है, ये मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई है इतनी प्यारी। कल की हो चुकी है फुल तैयारी, अच्छी लगी ना? मैंने अच्छी लगाई है, आपने तो अच्छी नहीं लगा रही थी। फ्रेंड, मैं बना रही हूँ खाना और ये देखो मेरी मेहंदी है बिल्कुल निकल चुकी है। खाना बनाने ये आए थे और मैगी बना मैं रही हूँ और मैं बना रही हूँ अब शाही पनीर। सो फ्रेंड, यहाँ पर को है मेरा पनीर बिल्कुल बन रहा है अभी, अरे बना तो नहीं है, खैर इसमें बहुत कुछ डालना बाकी है। यहाँ पर ये मलाई है, मुझे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन रही है और मैंने आटा भी गूंद के सब रख दिया है। और फ्रेंड, मुझे ना इतना अजीब लग रहा है ना, मतलब मैं चूड़ा हमेशा पहने रहती हूँ ज़्यादा ज़्यादा, तो मैं उतारती हूँ, मैं मेहंदी लगाने के लिए हमेशा उतारती हूँ, तो मुझे इतना खाली खाली सा हाथ लग रहा है दोनों के दोनों, फिर बिल्कुल ही। तो मैंने एक कड़ा तो खैर डाल रखा था और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, तो चलो जब तक मेरा खाना बनता है मैं अंदर जाती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग का खाना है लग चुका है और मेरा पनीर देखिए कितना यम्मी दिख रहा है और मेरे हस्बैंड तो खाने भी लग गए, और ना मैं खाना मार रही तो मुझे गर्म हो रहा है इसलिए मैंने पंखा भी चला दिया है। तो फ्रेंड, हम लोग का खाना पीना हो चुका है और मेरे सारे काम हैं हो चुके हैं और कल 6 बजे हमें निकलना है, 6 बजे की हम लोग की ट्रेन है। और मेरी पैकिंग देखो यहाँ पर डन हो चुकी है, मैंने बैग पैक कर दिया है और मैंने अभी निकाला है अपना नया चूड़ा, मैं अपना नया चूड़ा पहनने वाली हूँ और मुझे नेम प्लेट लगानी है अभी, और मेरे हस्बैंड तो फ़ोन चलाने में बिजी है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। देखो